हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओपेरॉन मॉडल इन, और हमारा फोकस रहेगा लैक ओबेरॉन का. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओपेरॉन मॉडल क्या होता है? ओपेरॉन मॉडल एक सेगमेंट है. ये क्या दिखाया है एनसीईआरटी ने? एक सेगमेंट है डीएनए का. प्रोकैरियोट्स में ये मॉडल पाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल जीन्स, पॉली स्ट्रक्चरल जीन्स इसको कहा जाता है, बहुत सारी स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि रेगुलेट होती है सिंगल प्रोमोटर रीजन से एंड सिंगल ऑपरेटर रीजन से. तो किसी भी ओपेरॉन में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे जो कि बायोसिंथेसाइज कर रहे होंगे, एंड वहाँ पे एक सिंगल प्रोमोटर रहेगा एंड सिंगल ऑपरेटर रहेगा, एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट्स कैन बी देयर, लेकिन ये कॉमन है. देन नाउ लेट्स स्टार्ट. फ्रांसिस जेकोब एंड जेक्यू मोनेट ने प्रपोज किया ओपेरॉन मॉडल. इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया पे देखा कि इनके एक डीएनए सेगमेंट में बहुत सारी जीन्स इनकोड हो रही है सिंगल प्रोमोटर से, लेकिन ये ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं देखा जाता है कॉमनली, ये प्रोकैरियोट्स में ही कॉमन है. ओपेरॉन जो था वो डीएनए का सेगमेंट था. ओपेरॉन दो तरीके के हो सकते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन. इंड्यूसिबल ओपेरॉन ऐसा ओपेरॉन जो कि इस ओपेरॉन जो कि सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में इंड्यूस हो जाए उसको इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं. यहाँ पे लैक ओपेरॉन हमारा होगा. रिप्रेसिबल ओपेरॉन में हमारे पास ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ये रिप्रेस हो जाता है, ये बायोसिंथेसिस नहीं करता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखने को मिलती है यहाँ. नाउ कमिंग टू द लैक ओपेरॉन इन डिटेल. लैक ओपेरॉन का नाम कहाँ से है? किसी भी ओपेरॉन का नाम, जैसे कि लैक ओपेरॉन, तो ये लैक्टोज से डिराइव है. ट्रिप ओपेरॉन, ये ट्रिप्टोफैन से डिराइव है. अगर एरा ओपेरॉन होगा तो एरा ओपेरॉन होगा, हिस ओपेरॉन होगा, वैल ओपेरॉन होगा. सिर्फ अमाइनो एसिड से मेनली डिराइव होता है. हिस ओपेरॉन हिस्टिडीन से हो जाएगा, वैल ओपेरॉन वैलिन से हो जाएगा. अब लैक ओपेरॉन पे हम फिर से आते हैं. लैक ओपेरॉन में अगर इंड्यूसर एब्सेंट रहे, लैक्टोज की एब्सेंस में ये वर्क नहीं करता है, इसीलिए इसको इंड्यूसिबल इंड्यूसर कहते हैं. रियल इंड्यूसर एलोलैक्टोज को या लैक्टोज को. एलोलैक्टोज एक्चुअली आइसोमर है लैक्टोज का. इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, स्ट्रक्चर्स दोनों के डिफरेंट होते हैं बस. यहाँ पे प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट है और एक इनिबिटरी सेगमेंट प्रेजेंट है. यहाँ पे ये इनिबिटर सेगमेंट से क्या निकलेगा? रिप्रेसर निकलेगा. रिप्रेसर जो कि अगर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से, तब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाती है प्रोमोटर रीजन पे. अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड नहीं होगी तो हमारा लैक ओपेरॉन फंक्शन नहीं करेगा, स्विच्ड ऑफ रहेगा, कोई बायोसिंथेसिस नहीं होगी. नेक्स्ट कमिंग टू द अदर केस, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में, किसी भी बैक्टीरिया के इंड्यूसर प्रेजेंट है, तब क्या होता है? तब हमें देखने को मिलता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाएगी. और जब ये बाइंडिंग हो गया है तो ऑब्वियसली ये बाइंडिंग क्यों पॉसिबल था? क्योंकि अभी ऑपरेटर रीजन खाली है, इस पर कोई रिप्रेसर नहीं बाइंड किया है. अगर रिप्रेसर बाइंड करता तो कभी ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग हो पाती? बिल्कुल नहीं, ये बाइंडिंग पॉसिबल नहीं थी. रिप्रेसर को किसने रोक के रखा? रोक के रखने वाला, ये रिप्रेसर को रोक के रखने वाला है हमारा इंड्यूसर. इंड्यूसर जाके रिप्रेसर से बाइंड कर लेता है और इसको इनएक्टिवेट कर देता है. तब हमारी बायोसिंथेसिस हो रही है. बायोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस होता है? लैक जी सेगमेंट जो है स्ट्रक्चरल जीन, वो प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज़. बीटा गैलेक्टोसिडेज़ का काम है हाइड्रोलाइज करना. हाइड्रोलाइज किसको कर देता है? ये हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में. लैक वाई जीन जो है वो सिंथेसाइज करता है परमिएज़ परमिबिलिटी देता है लैक्टोज को एंटर करने के लिए सेल में. और ए जो है, ए है जो कि ट्रांस एसिटाइलेज सिक्रीट करता है. ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी सब एंजाइम जो भी ये लैक ओपेरॉन के ज़रिए सिंथेसाइज होती है, ये बैक्टीरिया के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और लैक ओपेरॉन को रेगुलेट करने में भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देखा गया है. नाउ कमिंग टू अनदर केस, लैक ओपेरॉन में एक और रीजन होता है जिसको कहते हैं कैप बाइंडिंग साइट. कैप बाइंडिंग साइट जो कि एक ग्लूकोज सेंसर होता है. ग्लूकोज अगर इन्वायरमेंट में है,
किसी बैक्टीरिया के जैसे कि ई कोलाई, तो क्या होगा, ये लैक ओपेरॉन का फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा। मींस अगर कैप साइक्लिक एएमपी कैप से बाइंडेड है तो ये इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज ऐसा होता है, और तब हमारी ट्यूनिंग होगी और तब बायोसिंथेसिस इंक्रीज करेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट केस अगर हम यहाँ पे ऐसे ही समझाने के लिए हम एक केस ले लें, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, तो हमारा इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज ही है, लैक्टोज पे ही ओपेरॉन की स्विच ऑन या स्विच ऑफ मोड डिपेंड करेगी। तो हमारा लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली लैक ओपेरॉन हमारा स्विच ऑन रहेगा और सिंथेसाइज होगा लैक जी जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेसिस, लैक वाई जीन, परमिएजेस एंड लाइक लैक ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज प्रोड्यूस करेगी। अब हम सेकेंड केस अगर लेके देखें कि इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, सेकेंड केस हमारा ये है, तो क्या होगा, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो ग्लूकोज सेंसर कैप साइट को पता चल जाता है, ये सेंस कर लेता है एनवायरमेंट में ग्लूकोज है, तब ये साइक्लिक एएमपी को बाइंड करने नहीं देगा या फिर कैप बाइंड नहीं करेगा कैप साइट पे, देन व्हाट विल हैपन। और सिमिलरली यहाँ पे एब्सेंस है लैक्टोज का भी, लैक्टोज एब्सेंट है तो इंड्यूसर एब्सेंट है अगर लैक्ट ऑपरेटर का, तो ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर आसानी से जाके बाइंड करेगा एंड देर विल बी नो बायोसिंथेसिस एज आरएनए पॉलीमरेज इज अनेबल टू बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन।